अच्छा जी, कल हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर पे थोड़ी सी डिस्कशन स्टार्ट की थी। इसमें प्राइमरली हमने जो डिस्कस किया था कल, दैट वाज ऑर्डरिंग, रिसीविंग, इशूइंग ऑफ मटेरियल। सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू प्रैक्टिकली इदारों में काम होता है, और क्या डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन्वेंट्री की मूवमेंट, रिसीविंग, ऑर्डरिंग, इशूइंग को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं। सिस्टम, इन्वेंट्री सिस्टम को हमने स्टडी किया था। देन वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। चार टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री को हमने डिस्कस किया था। रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोसेस है, फिनिश गुड्स है, स्टोर स्पेयर्स एंड लूज टूल्स है। इनमें क्या क्या शामिल है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं। एंड फाइनली हमारा टॉपिक जो चैप्टर का नेम है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इस पर हमने बात शुरू की थी। और हमने पहला प्रिंसिपल डिस्कस किया था, अहम प्रिंसिपल, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रिलायबल वैल्यू। आपने रॉ मटेरियल को वैल्यू करना है, आपने वर्किंग प्रोसेस को वैल्यू करना है, आपने फिनिश गुड्स को वैल्यू करना है। आप उसकी कॉस्ट देखोगे क्या है, आप उसकी नेट रिलायबल वैल्यू देखोगे क्या है, और जिस जो इन दोनों में से वैल्यू कम आएगी उस पर आप इन्वेंट्री को अपने पास रिकॉर्ड करते हैं। इस प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करना है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस पर जो हमारी डिस्कशन के अलावा हुई थी, नेट रिलायबल वैल्यू से क्या मुराद है, इसको भी हमने डिस्कस किया था, और कॉस्ट से क्या मुराद है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या होती है, वर्किंग प्रोसेस की कॉस्ट क्या है, फिनिश गुड्स की कॉस्ट क्या है, स्टोर स्पेस लूज टूल की कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट क्या है, एनआरवी क्या है, इस पर हमारी बात हुई थी। कोई सवाल कल के लेक्चर से, हमने लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी के प्रिंसिपल को अप्लाई करना, उस पर हमें बात देखनी है अभी। जी, एनी क्वेश्चन? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल से मराद डायरेक्टली ट्रेसेबल कह लें आप। यहां पर वर्ड यूज किया गया है कॉस्ट में, ऐसी कॉस्ट, अदर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द परचेज ऑफ गुड्स। मतलब जो कॉस्ट बता दी, इनके अलावा कोई ऐसी कॉस्ट जो आपको लगता है कि परचेज की वजह से इनकर हुई है। जैसे हमने एजेंसी कमीशन की यहां पे बात की थी कि आप परचेज प्राइस तो सप्लायर को पे कर रहे हो, बस का सप्लायर से डील करवाने में कोई ना कोई एजेंट इन्वॉल्व होता है, उसको कमीशन दी जाती है, वो भी परचेज की वजह से है, तो उसको हम परचेज कॉस्ट में एड कर सकते हैं। इसी तरह यहां पे एक और कॉस्ट भी ऐड की जा सकती है, दैट इज ट्रांजिट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस दो तरह की होती है, एक गोदाम में जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी इंश्योरेंस भी पे की जाए, और एक सप्लायर से सामान उठा के आपके गोदाम तक आने के दौरान सफर की इंश्योरेंस पे की जाए, कि सफर में कोई नुकसान पहुंच गया उसकी इंश्योरेंस, जिसको हम ट्रांजिट इंश्योरेंस कहते हैं। तो गोदाम में जो सामान पड़ा हुआ है उसकी इंश्योरेंस इज वेयर हाउसिंग कॉस्ट, और वेयर हाउसिंग हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाते हैं। गोदाम में जो स्टोर में हमारे पास पड़ा हुआ है माल, उसकी इंश्योरेंस जो हम पे करते हैं वो वेयर हाउसिंग कॉस्ट है। लेकिन सप्लायर के गोदाम से आपके गोदाम तक माल लाने के लिए जो आपने इंश्योरेंस पे किया है, दैट रिलेट्स टू परचेज एक्टिविटी। क्योंकि हमने परचेज में बात यही की ना, कि सप्लायर के गोदाम से लेके आपके गोदाम तक आने पे जो भी खर्चा आएगा वो परचेज में चला जाएगा, जिसकी कुछ आइटम्स यहां पे आइडेंटिफाई है। तो जी, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल? हमें बाय द वे कॉस्ट का प्रिंसिपल हमने जरूर पढ़ा है, वर्किंग प्रोसेस का प्रिंसिपल जरूर पढ़ा है, लेकिन इस चैप्टर में हमें इनकी कॉस्ट की कैलकुलेशन नहीं टेस्ट की जाती। इस चैप्टर में इनकी कैलकुलेशन टेस्ट नहीं की जाती। इस चैप्टर में हमें वैल्यूज दी जाएंगी कि भाई ये कॉस्ट है मटेरियल की, रॉ मटेरियल की, या ये कॉस्ट है प्रोडक्ट की, और ये इसकी एनआरबी इस तरीके से कैलकुलेट कीजिए और बताइए आपके लिए लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी का प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होने हैं। हमें ऐसा नहीं कि इतना बड़ा ब्रेकअप दिया जाएगा इंपोर्ट ड्यूटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमें जनरली अवेलेबल होगा, बट वी मस्ट रिमेंबर दिस प्रिंसिपल, क्योंकि हमें ये प्रिंसिपल लिखने को कहा जा सकता है, या हो सकता है हमें कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें वो कहे जनाब यहां से मटेरियल रॉ मटेरियल की कॉस्ट डिटरमिन करो, तो उसमें से हमें उठानी पड़ेगी इस लिस्ट के मुताबिक कॉस्ट। सो हमें पढ़ते रहना है चीजों को, ताकि उसमें से मैक्सिमम चीजें हम रिटेन रख सकें प्रिंसिपल्स की हद तक, रट्टे लगाने के लिए नहीं लेकिन असूल जानने की हद तक। जी, कोई सवाल? अच्छा जी, हमने लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी का प्रिंसिपल हमने अप्लाई किया, तो इसमें हम एक इलस्ट्रेशन वन देखते हैं, फिर मजीद इस पर डिस्कशन करेंगे। इलस्ट्रेशन वन, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी का प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होना है, ये अब हम देखेंगे। जी, यहां पर ये जी इलस्ट्रेशन वन आपके पास अवेलेबल है पेज 94 पे। जीजी लिमिटेड, रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट द वैल्यू विच शुड बी इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एट द ईयर एंड। आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में वैल्यू जो शामिल होनी चाहिए ईयर एंड पे, वो कैलकुलेट कीजिए। डाटा रीड करते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। जीजी लिमिटेड हैज 5 आइटम्स इन इट्स इन्वेंट्री एट ईयर एंड ऑफ 2086। डिटेल रिलेटिंग टू इन्वेंट्री आर एज अंडर। 500 आइटम्स की डिटेल हमें गिवन है, कॉस्ट
ए बी सी डी ई आइटम्स हैं, इनकी कॉस्ट हमें गिवन है, हमें इनकी सेल वैल्यू गिवन है और इनकी सेलिंग कॉस्ट गिवन है. कैलकुलेट द वैल्यू एट विच शुड बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजिशन में इन्वेंट्री की वैल्यू ऑफ एज करंट एसेट आती है, इन्वेंट्री हैंड की वैल्यू एज करंट एसेट आती है, चीजें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में. और हमने उसूल पढ़ा इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आपने जब भी करनी है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे करना है. तो हमें हर इन्वेंट्री की कॉस्ट देखनी है और हर इन्वेंट्री की एनआरवी देखनी है और उसमें से जो लोअर है उस पे उसको हमने बैलेंस शीट में लेके जाना है. तो अगर हम ये फॉर्मेट इसको मैं बनाऊं आपके पास, हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट्स वाइज हम कॉस्ट लेते हैं, प्रोडक्ट वाइज हम एनआरवी लेते हैं, और फिर लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी हर आइटम के लिए आइडेंटिफाई करेंगे. आइटम वाइज ए बी सी डी ई, ये जो हमारे पांच प्रोडक्ट हैं. कॉस्ट हर एक की अवेलेबल है रेडीली, 25,000, 45,000, 38,000, 55,000, 47,000. ये जी हर आइटम की कॉस्ट हमें गिवन है. अब हमें हर आइटम की एनआरवी लेनी है और हमने एनआरवी की डेफिनेशन पढ़ी थी. एनआरवी होती है फाइनल सेल वैल्यू माइनस एनी सेलिंग कॉस्ट और अदर कॉस्ट विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेल. ये सेलिंग कॉस्ट भी हो सकती है, ये अदरवाइज कोई कमीशन भी हो सकती है, किसी भी किस्म की कॉस्ट. भाई ये पैसा हासिल करने के लिए, प्रोडक्ट को बेच के ये पैसा हासिल करने के लिए कोई भी खर्चा अगर हमें करना पड़ रहा है तो एनआरवी कैलकुलेशन में वो लेस किया जाता है. तो जनाब हम हर प्रोडक्ट की एनआरवी अगर कैलकुलेट करें तो प्रोडक्ट ए की एनआरवी बनेगी जी 37,500 माइनस 500, इट इज 37,000. प्रोडक्ट बी की एनआरवी बनेगी 52,300 माइनस 1250. सी की एनआरवी बनेगी जी 38,500 माइनस 2,000, इट इज 36,500. डी की एनआरवी बनेगी जी 70,000 माइनस 2,800 67,200. और ई की एनआरवी बनेगी 45,000 माइनस 1,500, इट इज 43,500. लीजिए जी, हमने हर आइटम की कॉस्ट ले ली, हर आइटम की एनआरवी ले ली. यहां पे जो असूल है, आप हर आइटम पे वन बाय वन असूल अप्लाई करेंगे. आइटम ए की कॉस्ट वर्सेस एनआरवी, वट एवर इज लोअर कॉस्ट. बी की कॉस्ट और एनआरवी कॉस्ट. सी की एनआरवी वर्सेस कॉस्ट एनआरवी. डी की कॉस्ट, ई की एनआरवी. तो हमने यहां पे तवज्जो कीजिएगा, हमने टोटल ऑफ कॉस्ट को नहीं देखा, हमने टोटल ऑफ एनआरवी को नहीं देखा, हमने इंडिविजुअल कॉस्ट और एनआरवी को देखा है. और जो हमने वैल्यूज डिसाइड की हैं, इसका सम है 205,000. ये वो वैल्यू है जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में एज करंट एसेट रिफ्लेक्ट होगी. हर आइटम को अलहदा अलहदा गेज किया जाता है. ऐसा नहीं कि टोटल देखा इसका क्या है, टोटल देखा इसका क्या है और जहां पे टोटल कम है उसको ले गए. ये ख्याल रखना है, हमने हर आइटम पे अलहदा अलहदा असूल लगाया है. हर आइटम की कॉस्ट को उसकी एनआरवी से कंपेयर करके असूल लगाया है कि भाई ए के लिए लोअर क्या है, बी के लिए क्या है, सी के लिए क्या है, एंड देन वी टुक द सम. तो यह जी वैल्यू जो हमारे पास बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगी. सो एनआरवी क्या है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी का प्रिंसिपल कैसे अप्लाई करता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें कहता है आपने इन्वेंट्री की वैल्यू लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे कैरी करनी है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, एनआरवी की कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है, लेकिन जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट में कुछ चैलेंजेस आते हैं जिनको हमें डिस्कस करना है.
कॉस्ट की कैलकुलेशन में कुछ चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि हम रॉ मटेरियल के रेफरेंस से बात करें, रॉ मटेरियल आप सप्लायर से खरीदते हैं, हमने कहा जी हम सप्लायर को जो प्राइस पे करते हैं दैट इज द कॉस्ट। अब इशू कॉस्ट में ये आता है कि क्या सप्लायर को हम पूरा साल एक ही प्राइस पे करते रहते हैं? आंसर इज नो। ड्यूरिंग द ईयर प्राइसेस तो बदलती रहती हैं, कभी इन्फ्लेशन की वजह से जनरली बढ़ी रही होती हैं, लेकिन कभी कभी सप्लायर को डिस्काउंट भी दे देता है तो प्राइस कम होती है। तो हम जो प्राइस सप्लायर को पे करते हैं, जो हम कॉस्ट पे करते हैं, वो तो बदलती रहती है, वो तो सेम नहीं रहती। हम मटेरियल खरीदते रहते हैं, कुछ यूज करते रहते हैं उसमें से, और हमें पता है हम जितना भी मटेरियल रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर खरीदेंगे उसमें से कुछ इस्तेमाल हो जाएगा ड्यूरिंग द ईयर जो कि एज एक्सपेंस बुक करना है, और कुछ हमारे पास ईयर एंड पे इन हैंड रह जाएगा जिसको हम एज करंट एसेट फाइनेंशियल पोजीशन में लेके जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेके जाते हैं। अब चैलेंज ये आ जाता है कि हमने जो प्राइस सप्लायर को पे की है, जो हमने डिफरेंट कॉस्ट एसोसिएटेड विद परचेजेस इनकर की हैं, वो तो पूरा साल बदलती रहती हैं। तो हमारे पास जो मटेरियल कंज्यूम हो गया, हमारे पास जो मटेरियल ईयर एंड पे हमारे इन हैंड रह गया, वो किस प्राइस पे लें हम, उस पर कौन सा खर्चा चार्ज करें? तो कॉस्ट तो हमने 10 रुपए भी पे की है, कॉस्ट हमने 11 रुपए भी पे की है, कॉस्ट हमने 10.5 भी पे की है। अब हमने उसमें से कुछ मटेरियल इस्तेमाल कर लिया है, कुछ हमारे पास इन हैंड पड़ा हुआ है, अब हम किस मटेरियल किस प्राइस के मटेरियल को एक्सपेंस में चार्ज करें और किस प्राइस के मटेरियल को यहां पे हम बैलेंस शीट में लेके आए? तो ये एक चैलेंज आता है हमारे पास जब हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड मेजर करो। तो भाई कॉस्ट तो पूरे साल में हमने डिफरेंट प्राइसेस पे खरीदा गया है मटेरियल, ये चैलेंज आया। अब इसके हल के लिए हमारे पास दो पॉलिसीज हैं जो हमारा स्टैंडर्ड अलाउ करता है, हमें हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दो पॉलिसीज अलाउ करता है कि हम जो एक्सपेंस बुक करें ड्यूरिंग द ईयर, हम जो बैलेंस शीट में वैल्यू लेके आए कॉस्ट की मद में, उसमें वी कैन आइदर अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वी कैन अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को हम फाइफो से एब्रीवेट करते हैं और वेटेड एवरेज कॉस्ट को हम एवको से एब्रीवेट कर देते हैं, एवरेज कॉस्टिंग कह देते हैं इसको हम। तो अब हम बात कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड या कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री यूज्ड, जो इन्वेंट्री यूज की उसकी कॉस्ट डिटरमिन करना, जो इन्वेंट्री हैंड है उसकी कॉस्ट डिटरमिन करना, उसके लिए हमारे पास दो पॉलिसीज की ऑप्शन अवेलेबल है। इन दोनों में से कंपनी कोई भी अडॉप्ट कर सकती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन दोनों पॉलिसीज को अलाउ करता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए भी इन दोनों में से कोई भी फॉलो की जा सकती है, और जो पॉलिसी कंपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए फॉलो करे वही पॉलिसी हम कॉस्ट अकाउंटिंग में भी फॉलो कर सकते हैं, हमें यहां पे कोई अलहदा पॉलिसीज रखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन की दो पॉलिसीज पढ़ी थी, हमने कॉस्टिंग की दो पॉलिसीज पढ़ी थी, एक मार्जिनल कॉस्टिंग एक अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, वहां पे हमने पढ़ा था कि दो पॉलिसीज हैं लेकिन अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट है अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहती है अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करनी, अभी वहां पर चॉइस नहीं है। और हमने कहा था मार्जिनल जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में जब आते हैं तो हमें यहां पे ज्यादा यूजफुल मार्जिनल कॉस्टिंग लगती है, तो इसलिए हमने कहा जी हम यहां पे हमारे पास ऑप्शन चूंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग में ऑप्शन अवेलेबल होती है और हमें जो ज्यादा यूजफुल लगेगी हम करेंगे फॉलो, तो हमें यहां पे भी मार्जिनल कॉस्टिंग ज्यादा यूजफुल लगती है हम उसको फॉलो करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वी हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड्स, वो कहता है जी अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, यहां पे स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है जी दो जो मर्जी इस्तेमाल कर लो, यहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है जो मर्जी इस्तेमाल कर लो और हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में भी फर्क नहीं पड़ता जो मर्जी इस्तेमाल कर लें। तो फिर हम जल्दी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पॉलिसी फॉलो कर रहे होते हैं वही पॉलिसी हम कॉस्ट अकाउंटिंग में भी फॉलो कर लेते हैं। तो अब हमने इन दोनों सिस्टम्स को समझना है, दोनों पॉलिसीज को समझना है, ये पॉलिसीज हमें क्या गाइडलाइन देती हैं और इन पॉलिसीज के मुताबिक कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड कैसे डिटरमिन किया जाता है और कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन हैंड कैसे डिटरमिन किया जाता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड हमें चार्ज करना है एज एन एक्सपेंस और कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन हैंड हमने एज एसेट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिफ्लेक्ट करना है। तो दोनों सिस्टम के तहत कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डिटरमिन करना। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बड़ा सिंपल सा असूल है जी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का असूल कहता है कि आप अपनी हिसाब किताब में यह अज्यूम कीजिए कि जो इन्वेंट्री पहले इस्तेमाल की पहले खरीदी गई वही पहले इस्तेमाल हुई, ये असूल रख लीजिए। पहले आपने 10 रुपए का यूनिट खरीदा, फिर 10.5 का खरीदा, फिर 11 का खरीदा, प्राइसेस बदलती रहती हैं। तो जब यूज करेंगे इसी सीक्वेंस में इस्तेमाल करें कि जो मटेरियल पहले यूज किया वो 10 रुपए वाला था, फिर दोबारा जरूरत पड़ी वो 10.5 वाला था, और आखिर में अगर एक यूनिट इन हैंड बच गया तो वो 11 रुपए वाला है। दिस इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। प्रैक्टिकली फिजिकली यूनिट्स को ट्रेस करना मे नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि आपने 1000 यूनिट्स का ऑर्डर मंगवाया 10 रुपए के हिसाब से, फिर आपने 2000 यूनिट्स का ऑर्डर मंगवाया, अभी 1000 वाला पड़ा था आपके पास खत्म नहीं हुआ था, आपका एक और ऑर्डर आ गया 2000 यूनिट्स का, वो 10.5 के हिसाब से आ गया, अभी दूसरा ऑर्डर खत्म नहीं हुआ था आपका, तीसरा आ गया 11 रुपए के हिसाब से, वो 3000 यूनिट्स का था,
तो आपके गोदाम में इकट्ठे तीनों रेट्स पे मटेरियल आके रखे गए, लेकिन क्या फिजिकली इन यूनिट्स में कोई फर्क होता है? 10 रुपए का 10.5 वाले से कोई फर्क होगा? फिजिकली तो कैसे होते हैं? सिर्फ कीमत हमने सप्लायर को फर्क पे की है, क्योंकि कोई हमने अप्रैल में खरीदा, कोई मई में खरीदा, कोई जून में खरीदा, कीमत बदल चुकी थी। तो फिजिकली यूनिट्स में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ कीमत फर्क पे की है। जब मटेरियल में फिजिकली कोई फर्क नहीं है तो फिर देर इज नो नीड के गोदाम में इनको हम अलहदा अलहदा संभालने की कोशिश करें, क्योंकि उससे अलहदा अलहदा मैनेज करने से कॉस्ट बढ़ जाती है। तो गोदाम में तो सारे इकट्ठे रखे जाते हैं, एक लॉट आई रख दी, दूसरी उसके साथ ही रख दी, उसके ऊपर ही रख दी, उसके नीचे दाएं रख दी, बाएं रख दी, मिक्स करके रखे जाते हैं। क्योंकि आप गोदाम में कहो जी मैंने हर लॉट को अलहदा अलहदा रखना है, तो दैट विल इंक्रीज योर मैनेजमेंट कॉस्ट, इन्वेंट्री हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, इन्वेंट्री स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाती है। जब मैटर नहीं करता, फिजिकली डिफरेंट नहीं है यूनिट्स, तो हमें फिजिकली अलहदा अलहदा क्यों रखना है? हाँ, किताबों में हम इनको अलहदा अलहदा रखते हैं, क्योंकि हमें जो कॉस्ट का हिसाब रखना है वो किताबों में रखना है ना। हमने जाके फिजिकल यूनिट गिनने हैं कितने पड़े हुए हैं और किस रेट पे पड़े हुए हैं, हम किताबों से देख लेंगे। अब वो पहली लॉट के हैं, दूसरी लॉट के हैं, तीसरी लॉट के हैं, फिजिकल मैटर नहीं करेगा, लेकिन किताबों में मैटर करेगा। किताबों में असूल हमें ये बताता है फाइफो का कि जो यूनिट सबसे पहले आए, आप हिसाब किताब ये रखोगे सबसे पहले वही इस्तेमाल होंगे। एज अ रिजल्ट जब पीरियड एंड हुआ तो जो यूनिट इन हैंड है वो ये समझा जाएगा वो लेटेस्ट परचेज में से है। तो ये रिकॉर्ड हम कैसे रखते हैं? फाइफो के तहत कॉस्ट ऑफ यूनिट्स यूज एंड कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन हैंड कैसे मेजर किया जाता है, एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 2, हम उसमें डाटा देखते हैं और उसको हैंडल करते हैं। ये जी माजिद लिमिटेड का डाटा है, इलस्ट्रेशन 2 में, इट इज ऑन पेज 95। डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ इश्यूज, इश्यू से मुराद जो यूज हुआ। डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ इश्यूज ड्यूरिंग द वीक एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द वीक यूजिंग फाइफो। ड्यूरिंग द वीक जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ उसकी कॉस्ट बताओ क्या है, और पीरियड एंड पे जो स्टॉक इन हैंड है उसकी कॉस्ट बताओ क्या है, फाइफो मेथड के तहत। अच्छा जी, कॉस्ट अकाउंटिंग है, हमें जो डाटा दिया गया है, ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 1 मार्च का, यूनिट्स और कॉस्ट पर यूनिट, रिसीट्स मतलब परचेजेस आप कह सकते हैं, रिसीट्स से बड़ा जहां पर परचेजेस लेते हैं कि जो आपने स्टोर में वसूल किए हैं, 2 मार्च को किया 70 रुपए का इस रेट पे, फिर इश्यूज हैं 3 मार्च को, इश्यूज से मतलब प्रोडक्शन को आपने जो भेजे हैं, फिर रिसीट है मतलब फिर परचेज आ गए, फिर इश्यूज हैं। तो हमें परचेजेस के तो उसने रेट दे दी हैं, इश्यूज का उसने हमें रेट नहीं दिया, उसका असूल बता दिया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जब इशू करना है तो जब सबसे पहले आए थे उनको सबसे पहले इस्तेमाल करना। अच्छा जी, इसकी प्रेजेंटेशन के डिफरेंट फॉर्मेट हम बना सकते हैं जिसके मदद से हम ये कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज, बट जनरली जो बेसिक्स का फॉर्मेट हमारा होता है मैं वो आपसे शेयर करता हूं। हम ओवरऑल एक कॉलम यहां पे पहला डेट का बनाते हैं, और उसके बाद हमें 3 बड़े कॉलम चाहिए, रिसीट्स, इश्यूज एंड बैलेंस का, और फिर हर बड़े कॉलम के हम 3 हिस्से मजीद कर देते हैं, हर कॉलम के हम 3 हिस्से कर देते हैं। मैं इनके टाइटल आपसे भी शेयर करता हूं, यहां पे हम क्या इनको टाइटल देंगे इन कॉलम को। तो दिस इज अ बेसिक फॉर्मेट, इसके अलावा भी कॉलम ऐड किए जा सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ये हमारे लिए यही एक फिक्स पैटर्न है, हम इसके अलावा भी कॉलम को ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे एक कॉलम हम डिस्क्रिप्शन का भी यहां चाहें तो ऐड कर सकते हैं, बट जनरली दिस फॉर्मेट इज कंसिडर्ड गुड इनफ। पहला कॉलम हमारा जी डेट का होता है, फिर हमने यहां पे रिसीट्स, ये इश्यूज और ये बैलेंस, ये 3 कॉलम है, और हर कॉलम में जो फर्दर 3 कॉलम है, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ये बड़ा एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मेट है जिसको हम यहां पे यूज करेंगे, फाइफो मेथड इलस्ट्रेशन 2 में हम अप्लाई करने को कहा गया है। हमें 1 हफ्ते के इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रखना है, फाइफो मेथड के तहत इन्वेंट्री रिकॉर्ड हम इस पैटर्न पे जनरली कॉस्ट अकाउंटिंग में मेंटेन करते हैं, स्टार्टिंग विद ओपनिंग बैलेंस 1 मार्च को। 1 मार्च को हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है, तो बैलेंस सीधा बैलेंस के कॉलम में लैंड करेगा। कितने यूनिट्स हैं? 10 यूनिट्स हैं, रेट है 2 रुपए, कीमत हुई 20 रुपए। यहां पे असूल है आपको हर डेट के बाद
एक लाइन ड्रॉ करके अकाउंट को क्लोज करना होता है। हर डेट के बाद एक लाइन ड्रॉ करके अकाउंट क्लोज किया जाता है। आपने फर्स्ट मार्च की ट्रांजैक्शन नोट की, फर्स्ट मार्च की कहानी खत्म हो गई है, लाइन ड्रॉ कर दी जाती है जी, फर्स्ट मार्च की कहानी खत्म हुई। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन पड़ी जाती है, रिसीट्स हैं 2 मार्च की, 2 मार्च की रिसीट्स हैं जी। रिसीट्स परचेजेस मतलब वो रिसीट्स के कॉलम में रिकॉर्ड की जाएंगी। कितने यूनिट्स हैं जी? 70 यूनिट्स, 2.20, 154। अच्छा जी, अब जरा देखिए, हर रिसीट के बाद और हर इश्यूज के बाद बैलेंस का कॉलम अपडेट करना होता है। अब हमने बैलेंस का कॉलम अपडेट करना है। बैलेंस के कॉलम में आपने हर डेट पे कंप्लीट बैलेंस इन हैंड शो करना होता है। जैसे ये खाता क्लोज हो गया था, अब हमने रिसीट की, रिसीट के बाद हमने बैलेंस अपडेट करना है। तो हम इसको इससे प्रेजेंट करते हैं कि भी 10 यूनिट्स हमारे पास पहले के पड़े हुए थे के हिसाब से, और अब 70 यूनिट्स मजीद आ गए हैं 2.2 के हिसाब से, 154 हो गए हैं रुपीज के। अगर हम चाहें तो इसके नीचे इसका सब टोटल भी शो कर सकते हैं, चाहें तो ना भी करें तो हर्ज नहीं है। फिलहाल मैं सब टोटल भी एक शो करता हूं, आइंदा एग्जाम्पल में शायद मैं इसको स्किप भी कर दूं तो कोई हर्ज नहीं है। तो मैंने कहा जी ट्रांजैक्शन मेरी 2 की खत्म हुई, तो 2 की ट्रांजैक्शन का मैं लाइन ड्रॉ करके क्लोज किया, और इसका रिजल्ट क्या है, मेरे पास 80 यूनिट्स इन हैंड है और ये 174 के हैं। यहां पे हम फिर कॉस्ट मेंशन नहीं करते। हमने शुरू किया महीने का रिकॉर्ड ओपनिंग बैलेंस से, हमारे पास महीने के शुरू में कितने यूनिट्स किस प्राइस पे पड़े हुए थे। फिर हमें एक नेक्स्ट ऑर्डर रिसीव हुआ, तो हमने अब बैलेंस कॉलम में 2 लॉट्स लिखाई, कि एक लॉट पुरानी पड़ी हुई है 10 यूनिट की और एक नई आई है 70। और यहां पे हमने जब ये लॉट्स को यहां प्लेस करते हैं, हमने ख्याल रखना होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में कि सबसे पुरानी लॉट सबसे ऊपर, सबसे पुरानी लॉट सबसे ऊपर और सबसे नई लॉट उसके नीचे, जिसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्लेस करते हैं। हम पुरानी लॉट सबसे ऊपर और सबसे लेटेस्ट लॉट नीचे, जिस ऑर्डर में ये लॉट्स खरीदी गई हैं उस ऑर्डर में ही प्लेस की जाती हैं। सो हमने कहा ये 2 मार्च को जब हमने यूनिट खरीद लिए, अब हमारे पास 2 लॉट्स हो गई हैं, एक 10 यूनिट्स की, एक 70 की, 2 रुपए के हिसाब से, 2 रुपए 20 पैसे के हिसाब से। 3 मार्च को देखें जी, 3 मार्च को इशूज आ गए हैं। कितने इशूज हैं? 40। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जब ये इश्यूज की बारी जब भी आएगी, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल आएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल कहता है कि भाई जो यूनिट्स पहले खरीदे गए पहले उनको रिकॉर्ड करो इशू कर। तो इसका हमने 40 यूनिट्स इशू करने हैं, तो सबसे पहले 10 यहां से जाएंगे और बाकी 30 यहां से जाएंगे। तो जनाब हम लिखेंगे इश्यूज में हमारे पास 10 यूनिट्स 2 रुपए वाले चले जाएंगे 20 रुपए के, और 30 यूनिट्स 2.2 वाले चले जाएंगे 66 के। और बैलेंस कॉलम हर रिसीट और इश्यूज के बाद अपडेट होगा। बैलेंस में हमारे पास बचे हैं 40 यूनिट्स बचे हैं और 2.2 वाले बचे हैं 88। लीजिए जी, हर दिन के पोस्ट करने के बाद एंट्री, लाइन ड्रॉ करके चैप्टर क्लोज। अब हमारे पास सिर्फ 40 यूनिट्स 2.2 वाले पड़े हुए हैं। ओपनिंग बैलेंस आया, रिसीट्स आई, बैलेंस अपडेट, इश्यूज आए, बैलेंस अपडेट, इश्यूज 5 के तहत किए हैं। और ये टोटल मैंने आपको कह दिया कि हम चाहें तो शो करें चाहें तो ना शो करें, ये हमारे पास ऑप्शन है, हम इसको ना भी शो करें तो कोई जरूरी नहीं है। और मुझे लगता है कि एफिशिएंसी के लिए शो ना करना हमारे लिए बेहतर है, कभी जरूरत हो तो हम ले लेंगे, अगर जरूरत नहीं है तो यहां पे सब टोटल दिखाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 4 मार्च को, 4 मार्च को फिर रिसीट है जी। कितने यूनिट्स? 50 यूनिट रिसीट्स हैं, परचेजेस हैं, रिसीट के कॉलम में आएंगे 50 यूनिट्स 2.3 के हिसाब से 115। बैलेंस कॉलम अपडेट होगा। अब हमारे पास फिर 2 लॉट्स हैं, एक 40 यूनिट्स की सबसे पहले वाली लॉट और फिर 50 यूनिट्स की दूसरी लॉट 2.3 115। ठीक है जी, हम इसको अभी अगेन टोटल, अभी सब टोटल रहने देते हैं, हम उसको नहीं पोस्ट करते, हम इसी को यहीं पे क्लोज करते हैं। लीजिए जी, हमने ये बैलेंस अपडेट कर दिया रिसीट के बाद, ये ट्रांजैक्शन क्लोज होगी। इसके बाद हमसे कहा जी एक और इश्यूज 5 मार्च का, तो लेट्स रिकॉर्ड दैट। 5 मार्च को इश्यूज है 70 यूनिट्स, 5-4 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्या भाई 40 ये जाएंगे और 30 इधर से जाएंगे। तो इश्यूज में 40 यूनिट्स जाएंगे 2.2 वाले 88 के, और 30 यूनिट्स जाएंगे आपके 2.3 वाले 69। एज अ रिजल्ट इन हैंड बचे सिर्फ 20 यूनिट्स 2.3 वाले 46 के। लीजिए जी, अगेन लाइन ड्रॉ करेंगे यहां पे हम। हर डेट की ट्रांजैक्शन के बाद रिसीट है, इश्यूज है, बैलेंस का कॉलम अपडेट हुआ करेगा और लाइन ड्रॉ करके क्लोज करेंगे।
और बैलेंस के कॉलम में जितनी हमारे पास लॉट्स हैं हर लॉट को अलहदा अलहदा दिखाना है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाना है, सबसे पुरानी लॉट सबसे ऊपर और सबसे नई लॉट सबसे नीचे। इस अंदाज में रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे ताकि जब भी इश्यूज की बारी आए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के लिहाज से हम ऊपर से इश्यू स्टार्ट करें। ये जी फाइफो मेथड के तहत कॉस्ट ऑफ इश्यूज जानना है तो फाइफो मेथड के तहत जनाब यहां टोटल कर लीजिए, आपने इश्यूज किया 40 और 70 110 यूनिट्स और इनकी कॉस्ट क्या है इस कॉलम का टोटल कर लीजिए 243। हमसे पूछा गया है कॉस्ट ऑफ इश्यूज बताइए तो हमने कहा जी 110 यूनिट्स 243 ये है हमारी कॉस्ट ऑफ इश्यूज जो कि हमें एज एक्सपेंस चार्ज करनी है या एक्सपेंस चार्ज करने के लिए रॉ मटेरियल जब यूज करते हैं तो इसका एक्सपेंस हम वर्किंग प्रोसेस को ट्रांसफर करते हैं अगर डायरेक्ट है तो, अगर इनडायरेक्ट है तो कहां ट्रांसफर करते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल यूज को ओवरहेड्स अकाउंट में, बिल्कुल ठीक है। मटेरियल अगर डायरेक्ट है तो उसको यहां से इशू करके वर्किंग प्रोसेस में डेबिट किया जाता है, इनडायरेक्ट है तो यहां से इशू करके ओवरहेड में डेबिट किया जाता है। दिस इज नॉट लेजर टी अकाउंट नहीं है, ये एक सेपरेट एंट्री मेंटेन की जाती है। अगर मैं इसको आपके लेजर से रिलेट करूं, आपके पास एक लेजर होगा ना यहां पे, मैं समझिए हम ये इन्वेंट्री आइटम आइटम 001 का ये रिकॉर्ड है तो इसी तरह आइटम 01001 का लेजर भी आपके पास होता है, इसमें आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन लेजर भी सिर्फ वैल्यूज आ रही होती है, याद है ना। तो यहां पर आ रहा होगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 20, फिर आपने परचेजेस की होंगी, परचेजेस यहां पर की होंगी आपने इसमें 154 की, फिर आपने इसमें से इश्यूज किए होंगे 86 के, से डायरेक्ट था वर्किंग प्रोसेस को गया। अब ये 86 रुपीस कहां से आए, इस रिकॉर्ड से में निकले कि इश्यूज जो किया है मटेरियल उसकी कॉस्ट क्या है। फाइफो के तहत कुछ और होती है, एफको के तहत कुछ और होती है, ठीक है। तो हमने लेजर मेंटेन करना होता है, लेजर में जो मटेरियल हम इशू कर रहे हैं हमें उसकी कॉस्ट चाहिए, उसकी कॉस्ट इस रिकॉर्ड से मिलती है, इसको कॉस्ट लेजर कार्ड कहा जाता है, इस स्टेटमेंट को हम कॉस्ट लेजर कार्ड भी कहते हैं। दिस इज लेजर, दिस इज कॉस्ट लेजर कार्ड, ये जनरल लेजर है टी अकाउंट में जैसे मेंटेन हो रहा है, ये कॉस्ट लेजर कार्ड कहलाता है। तो इसी तरह वहां पे जो वैल्यूज हैं ये सिर्फ वैल्यूज पे मेंटेन होता है, कॉस्ट लेजर कार्ड में क्वांटिटीज भी हैं, रेट्स भी हैं और वैल्यूज भी हैं, सब कुछ है। फॉर एग्जाम्पल मजीद इसके बाद आपने फिर परचेजेस की हैं 115 की, फिर आपने इश्यूज किए हैं कितने के 157 के और दैट्स इट, इसके बाद क्लोज होगी ट्रांजेक्शन। तो आप यहां से देख सकते हैं बैलेंस कैरी डाउन आपका 46 आ रहा है, ये आपका लेजर यहां पे क्लोज हो रहा है, नेक्स्ट पीरियड ब्रॉट डाउन आपका 46 आ जाता है, ये आपका लेजर क्लोज हुआ और यही चीज आपकी यहां पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है। पीरियड एंड पे आपका स्टॉक 46 का है 20 यूनिट्स, ये आपकी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री कह लीजिए। फाइफो मेथड के तहत कॉस्ट ऑफ इश्यूज क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज ड्यूरिंग द वीक वो क्या है, फाइफो मेथड के तहत कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड एट द एंड ऑफ वीक वो क्या है, यही चीज लेजर में ऐसे रिफ्लेक्ट होती है। हमने ये जो रिकॉर्ड मेंटेन किया ये हमें हेल्प करता है लेजर में ये वैल्यूज आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो इश्यूज हो रहे हैं वो फाइफो के तहत कितने रुपए के बनते हैं और जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है हमारे पास वो फाइफो के तहत कितने रुपए का है। जनरल लेजर में ये एंट्रीज ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, कॉस्ट लेजर कार्ड में हम उसको ऐसे मेंटेन करते हैं। तो हमारा इस चैप्टर का स्कोप फिलहाल कॉस्ट लेजर कार्ड है, आगे चलकर जनरल लेजर को भी हम डिस्कस करेंगे, इन्वेंट्री का लेजर भी, अकाउंटिंग भी हमारे स्कोप में आती है इस चैप्टर के, फिलहाल हम कॉस्ट लेजर कार्ड को फोकस कर रहे हैं। जी जनाब एनी क्वेश्चन, फाइफो मेथड के तहत कॉस्ट लेजर कार्ड मेंटेन करना, अच्छा जी अब यही एक्टिविटी हम एवको मेथड के तहत करते हैं। एवको मेथड के तहत अगर हम कॉस्ट लेजर मेंटेन करें तो हाउ विल इट लुक लाइक, एवको मेथड का बेसिक असूल पहले सीख लीजिए। एफको मेथड का असूल है कि आपने हर परचेज के ऊपर पुराने यूनिट्स और नए यूनिट्स के मिला के एवरेज रेट निकाल लिया करना है। एफको मेथड का असूल है हर परचेज जब नई रेट पे आए तो यूनिट्स इन हैंड और न्यू परचेज को मिला के आप नया एवरेज रेट निकालेंगे और उसके बाद हर इशू उस नए एवरेज रेट पे हुआ करेगा। आई रिपीट, हर परचेज के ऊपर एवरेज रेट रिवाइज होगा और ऑनवर्ड हर इशू उस नए रेट पे होगा, फिर परचेज आई फिर रेट रिवाइज हो गया फिर इश्यूज पे होने शुरू हो गए, फिर परचेज आई फिर रेट रिवाइज होगा इश्यूज पे होने शुरू हो जाएंगे। सो हर परचेज पे नया रेट आया करेगा और ऑनवर्ड इशू उस नए रेट पे हुआ करेंगे। और नया रेट या एवरेज कॉस्ट का हम निकालते कैसे हैं,
कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री करंटली इन स्टोर प्लस कॉस्ट ऑफ न्यू आइटम्स रिसीव्ड या परचेज कह लीजिए, डिवाइडेड विद नंबर ऑफ यूनिट्स करंटली इन स्टोर प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स रिसीव्ड। इस फॉर्मूले से आप हर परचेज पे अपना एवरेज रेट रिवाइज करते हैं। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। हम यही डाटा जो कि हमने इलस्ट्रेशन 2 में डील किया, यही डाटा हमें इलस्ट्रेशन 3 में प्रोवाइडेड है, लेकिन रिक्वायरमेंट हमें है कि एवको से इसको सॉल्व कीजिए। हम इलस्ट्रेशन 3 में इसी डाटा को देखें तो यहां पे हमें कहा जा रहा है कि मार्जिन लिमिटेड का डाटा है, इससे वही कॉस्ट ऑफ इश्यूज ड्यूरिंग द वीक निकालिए और वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द वीक निकालिए यूजिंग एवको मेथड। वही ओपनिंग स्टॉक, वही रिसीट, वही इश्यूज। अच्छा जी, फॉर्मेट एवको का फॉर्मेट भी यही रहता है जो हमने यूज किया फाइफो के लिए। प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट यही रहता है, वही कॉलम हम उसी तरह ड्रॉ करते हैं जी। एक कॉलम हमारा डेट का निकलता है पहले, फिर तीन बड़े हिस्से हम करते हैं, और उसी तरह हर कॉलम के फिर फर्दर तीन हिस्से किए जाते हैं। वही फॉर्मेट, डेट, रिसीट्स, इश्यूज एंड बैलेंस, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। स्टार्टिंग पॉइंट उसी तरह, फर्स्ट मार्च को ओपनिंग बैलेंस है कितना है जी, 10 यूनिट्स, 2 रुपए के हिसाब से 20 रुपए, और हर बैलेंस अपडेट होने के बाद लाइन ड्रॉ करके उस डेट को क्लोज करना है। ये जी फर्स्ट मार्च को क्लोज किया हमने। नेक्स्ट 2 मार्च की रिसीट, 2 मार्च की रिसीट 70 यूनिट्स 2.2 के हिसाब से 154। अब यहां पर एवरेज का असूल देखिएगा। एवरेज का असूल कहता है कि हर रिसीट के ऊपर आपने नया एवरेज रेट निकालना है। एवरेज रेट निकालने के लिए पहले हम सारे यूनिट्स यहां इकट्ठे करते हैं, पहले हम सारे यूनिट्स यहां इकट्ठे कर लेंगे और फिर हम एवरेज का फार्मूला अप्लाई करने के लिए, फार्मूला क्या था अगर फार्मूले पर नजर दौड़ाओ, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री करंटली इन स्टोर 20 प्लस कॉस्ट ऑफ न्यू आइटम रिसीव्ड 154, सम करो 174, इसको डिवाइड करना है। यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री करंटली इन स्टोर 10 यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री रिसीव्ड 70, टोटल हो गया 80। फिर हमने क्या पढ़ा है कि हम टोटल इस टोटल को इस टोटल से डिवाइड करते हैं तो नया रेट निकलेगा एवरेज। क्या नया रेट है? 2.18। दो डेसिमल पे काम कर रहे हैं, दो डेसिमल तक ही रहेंगे। यह है जनाब हमारे पास मैथड एवको का कि हर परचेज के ऊपर हमने बैलेंस और कॉलम अपडेट करने हैं और नया एवरेज रेट डिटरमिन कर लेना है। यहां पे टोटल करना मजबूरी है, फाइफो में जरूरत नहीं थी हमें। यहां पे टोटल करना बैलेंस का कॉलम हर दफा जरूरी है क्योंकि हर परचेज के ऊपर आपको ये अपडेट करना होता है। हर परचेज के ऊपर आपको बताना है कि अब हमारे पास 80 यूनिट्स 2.18 के हिसाब से 174 रुपीज में पड़े हुए हैं। एवको मेथड हर परचेज या रिसीट के ऊपर नया एवरेज रेट वर्कआउट करने हैं एंड ऑनवर्ड इश्यूज उस नए एवरेज रेट पे किए जाते हैं। जैसे अब हमारा इशू आ रहा है 3 मार्च को, कितने यूनिट्स का इशू है? 40 यूनिट्स। तो जनाब ये सारे के सारे यूनिट्स
2.18 पे किए जाएंगे, कितना जी 87.20, बैलेंस 40 यूनिट्स हमारे पास बचे 2.18 के हिसाब से 87.2। अब यहां पे कोई राउंडिंग ऑफ डिफरेंस निकलेगा, हमें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पे 87.2 प्लस 87.2 करें तो 174.4 बन जाता है, राउंडिंग ऑफ डिफरेंस है, उसकी हमने टेंशन नहीं लेनी। हमने एवरेज जो निकाला है उसके हिसाब से हम चलते जाएंगे, बस 2 डेसिबल तक चल रहे हैं तो चलते जाइए, कोई इशू नहीं है। ये जनाब अपडेट हुआ इश्यूज के बाद, ड्रॉ द लाइन, लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इसके बाद जाइए नेक्स्ट डेट 4th मार्च। 4th मार्च को क्या कहानी है जी, रसीद है 50 यूनिट्स, पोस्ट करेंगे 50 यूनिट्स 2.3 के हिसाब से 115 के बने। अब हम अगेन बैलेंस कॉलम अपडेट करने हैं, बैलेंस कॉलम में हर रसीद पे नया रेट निकालना है। तो नया रेट निकालने का तरीका कि भाई पहले पड़े हुए 40 यूनिट्स 87.2 के हिसाब से, मजीद खरीद लिया 50 यूनिट्स 2.3 के हिसाब से, बने वो 115 के। तो जनाब इनका टोटल कीजिए, हमारे पास टोटल हो गए हैं 90 यूनिट्स जिनकी वैल्यू है 202.20 नया एवरेज रेट, इसका टोटल डिवाइड विद दिस 2.25 लीजिए जी। ये डे भी हमारा क्लोज हुआ, हर परचेज पे नया बैलेंस निकला और डे क्लोज करेंगे हम। जी एनी क्वेश्चन? एफको मेथड, हर परचेज के ऊपर नया एवरेज रेट निकाला जाएगा और उसके बाद जो इश्यूज आएंगे वो उसी रेट को हुआ करेंगे। जैसे हमने 2 मार्च की परचेज के ऊपर नया रेट निकाला 2.18 और 3 मार्च के इश्यूज 2.18 पे किए, 4 मार्च को फिर परचेज है नया रेट निकाल लिया 2.25। तो अब जो 5 मार्च का इशू है वो इस नए रेट पे किया जाएगा। 5 मार्च का जो इशू है वो नए रेट पे होगा, कितने हैं जी इशूज 70 यूनिट्स, 70 यूनिट्स इशू करेंगे 2.25 के हिसाब से इशू करेंगे, कितना जी 157.50, 20 यूनिट्स इन हैंड रह गए 2.25 के हिसाब से 45 लीजिए जी। दिस कंप्लीट्स ओवर रिकॉर्ड, हमारा रिकॉर्ड यहां पे कंप्लीट हो गया। हमसे उसने मांगा है कॉस्ट ऑफ इश्यूज बताइए, तो कॉस्ट ऑफ इश्यूज के लिए जनाब ये सम कर लीजिए, हमने 110 यूनिट्स इशू किए हैं 244.70 के और हमारे पास 20 यूनिट्स इन हैंड हैं 45 के। यही दो चीजें मांगी थी कि कॉस्ट ऑफ इश्यूज बताओ और कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन हैंड बताओ। हम देख सकते हैं दीज टू वैल्यूज आर मार्जिनली डिफरेंट एज वर्क आउट अंडर फाइफो, जो हमने फाइफो में वर्कआउट की थी उससे मार्जिनली डिफरेंट आई है ये वैल्यूज। जी जनाब एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड और एफको मेथड, नहायत ही सिंपल सा फॉर्मेट है, हमें एग्जाम में इस फॉर्मेट के प्रिंसिपल को यूज करके भी कुछ क्वेश्चन आए हैं और अकाउंटिंग एंट्रीज पे भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, तो जो क्वेश्चन आए हैं पास में हम उनको भी देखेंगे। बट ये फॉर्मेट नहायत सिंपल है, कैलकुलेशन इनकी काफी आसान है एज लॉन्ग एज यू नो द बेसिक प्रिंसिपल। जी फाइफो और एफको मेथड क्या है, जिसकी मदद से हम कॉस्ट ऑफ इश्यूज और कॉस्ट ऑफ यूनिट इन हैंड डिटरमिन कर पाते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन हम कर रहे हैं, हमने जो चैलेंज का डिस्कस किया था कि हमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जो हम यूनिट्स यूज करते हैं उनकी वैल्यू भी जानना है, जो यूनिट्स हमारे पास पीरियड एंड में इन हैंड रह जाते हैं उनकी वैल्यू भी जानना है। तो जनाब हमने कहा जी वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो वैल्यू कॉस्ट और एनआरवी दो मेथड्स, इनमें से किसी को एक लेनी है, जो लोअर है वो लेनी है। तो हमने कहा जी पहले हम कॉस्ट कैलकुलेट करना सीख लें, कॉस्ट और एनआरवी का कंपैरिजन, उसका असूल तो हम वैसे ही छोटी सी एग्जांपल से देख चुके हैं। अब हम फोकस कर रहे हैं कॉस्ट कैलकुलेट करना, कि हम कॉस्ट ऑफ इश्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड कैसे निकालते हैं। फाइफो के तहत एफको के तहत कोई मसला मसाया जरा बेटा, जैसे उसको कर रहे थे हम, बस सिर्फ ये बदल गया ना आपका, आपके इश्यूज की वैल्यूज बदल गई हैं। वहां पे आपने ये पोस्ट किया था लेजर 86, फाइफो के तहत 87.2 पोस्ट करोगे। आपने एफको के तहत, फाइफो के तहत 157 किया था, एफको के तहत 157.5 पोस्ट करोगे और यहां पे आपका 45 का स्टॉक रहेगा। परचेजेस तो वही हैं, उसमें तो कुछ चेंज नहीं आई, इश्यूज की वैल्यूज बदल गई हैं, इश्यूज बदल गए और इन हैंड बदल गया। ये आपने फाइफो के तहत पोस्ट किया था, एफको के तहत लेजर में चीजें पोस्ट होंगी आपकी, ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी आज के लिए इतना ही, कल हम मजीद इस पे 2 इलस्ट्रेशन हमारे पास है, फाइफो एफको की रिवीजन है और अकाउंटिंग कैसे करनी है इनकी उस पे बात होगी। कल अकाउंटिंग पे डिस्कशन स्टार्ट होगी, डबल एंट्री लेजर अकाउंटिंग पे बात करेंगे,
परसों इंशाअल्लाह हम इस चैप्टर की अकाउंटिंग को भी क्लोज करके पास पेपर क्वेश्चन जो इसके हमारे करने का प्लान है हम उन पे आ चुके होंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, सो इस वीक में हमारा प्लान यही रहेगा, इस वीक में ये चैप्टर हमारा कंक्लूड शायद हो जाएगा और मे बी जैसे ईद के बाद इंशाअल्लाह मिलेंगे तो फिर हम जो मार्जिनल अडॉप्शन के हमारे क्वेश्चन जो रहते हैं वहां से अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आपको शेयरिंग हो चुकी है कि आपके फ्राइडे सैटरडे के लेक्चर आपको यूट्यूब पे अवेलेबल कर दिए जाएंगे, तो जो बच्चे मूव करना चाहते हैं आउट ऑफ सिटी, दे हैव ट्रैवलिंग इश्यूज, इफ दे वांट टू मूव दे कैन मूव आउट। फ्राइडे सैटरडे के लेक्चर आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे अवेलेबल कर दिए जाएंगे एक दिन लैग के साथ। फ्राइडे वाला लेक्चर आपको सैटरडे को मिल जाएगा और सैटरडे वाला लेक्चर इंशाल्लाह आपको संडे को अवेलेबल हो जाएगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब जो बच्चे मूव आउट करें वो जब मंडे को वापस आएं तो ये लेक्चर कंप्लीट करके वापस आएं, ऐसा ना हो कि वो ट्रैवल भी आप कर जाएं और फिर घर जाके आप पढ़िए भी ना। एक चीज मैं थोड़ा सा एडवाइस करना चाहूंगा बेटा कि ना सीए की स्टडीज में छुट्टियां जो आपको आती हैं, अगेन मेरा दिल चाहता है कि मैं जिस तरह मैं बिहेव करता रहा एज अ स्टूडेंट, जिसका रिजल्ट मैंने लिया कि एक कामयाब मैं एज अ स्टूडेंट सीए का रहा, मैं आपसे शेयर करता रहा हूं। छुट्टियों को आप लेयर टाइम ना समझिए जब तक आपकी स्टडीज चल रही हैं। छुट्टियों को यू शुड टेक एज एन अपॉर्चुनिटी कि मेरी पीछे को कमी रह गई है उसको मेकअप करने का टाइम मिल गया मुझे। अगर क्लासेस में कोई चीज मुझसे मिस होगी, मैं रिवीजन नहीं कर सका, ठीक है हमने जाना है फैमिली में, खुशियां भी मनानी है, फैमिली से मिलना मनाना भी है, लेकिन उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रखिए मिनिमम टाइम पे। और टारगेट का पहले होना चाहिए कि मिनिमम जो फैमिली कमिटमेंट्स है ऑनर करके मैं अपनी स्टडीज को टाइम दूं। जो मेरे पीछे से लैग रह गया है तकरीबन, आपको अगर हम चले दो दिन तो आप यहां से मूव आउट करेंगे लेकिन लेक्चर तो अटेंड कर लेंगे, तो हम कहते हैं आपको 7-8 दिन की जो छुट्टियां होनी है, दो दिन ट्रैवलिंग का निकाल दीजिए, एक दिन फुल ईद का निकाल दीजिए, तो फिर भी 5 दिन आपके पास फुल अवेलेबल बनते हैं जिसमें मैक्सिमम टाइम आपको स्टडीज को देना चाहिए और आपको पीछे से मेकअप करके सारा आना चाहिए। वो इसलिए भी जरूरी है कि आप उससे शेयर हो चुका कि जिस वीक आप वापस आएंगे ईद के बाद हमारी असेसमेंट भी ड्यू है और असेसमेंट में यही जो हमने पढ़े हुए चैप्टर उन्हीं के ऊपर है जिनके हम लहदा पीछे से टेस्ट भी कुछ चैप्टर के दो के ले चुके हैं, तो इन्हीं चैप्टर पर हमारी असेसमेंट ड्यू है। तो कोशिश कीजिएगा जो पढ़ा कम से कम उसको रिवाइज करके आए। मैं नहीं कहता कि आप 20-25 सवाल करके आए, जो क्लास में टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं उनको रीड कीजिए नोट से, जो इलस्ट्रेशन की है उनको रीडू कीजिए, जो सवाल किए उनको रीडू कीजिए, कम से कम इतना जरूर करके आप वापस आइए इंशाअल्लाह छुट्टियों के बाद, ठीक है, ताकि आप लोगों को आगे स्टडीज में कोई चैलेंज ना आए। अभी हमने तकरीबन कोई 15-20% सिलेबस पढ़ा है, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं पढ़ा हमारा। अभी मेन जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चंक ऑफ द सिलेबस है वो भी इंशाअल्लाह हमारा आना है, वो ईद के बाद से इंशाअल्लाह हमारे जो की टॉपिक्स हैं उन पर हमारी डिस्कशन स्टार्ट होनी है। तो कोशिश कीजिए अपनी फाउंडेशन को मजीद बेहतर करके आइए आप, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम।